बिहार के औरंगाबाद जिला में 5 मार्च 2020 को बिहार राज्य शिक्षक संघ समन्वय समिति शिक्षक के द्वारा धरना स्थल पर धरना में तब्दील हो गया। दिल्ली में निर्भया कांड का दोषी औरंगाबाद जिले के नवी नगर प्रखंड के टंडवा थाना के लहंग कर्मा के निवासी अक्षय ठाकुर के परिवार एवं गांव के निवासी मीडिया के कैमरे के सामने आने से कुछ कहने से मना कर दिया। सोनभद्र जिले के मयूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत के मधुबन में अचानक एक ही परिवार के 12 लोग बीमार, गांव में मचा हड़कंप। फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले बहादुरपुर ब्लॉक के मलखानपुर गांव में किसान आवारा पशुओं से परेशान। खेतासराय के अंतर्गत मकान गिराने के लिए अधिकारी माननीय एसडीएम साहब तहसीलदार पहुंचे, 2 दिन का समय देते हुए रवाना हो गए। बरेली के फतेहगंज पश्चिम में पिछले 20 सालों से बंद रबड़ फैक्ट्री के जंगल में दिखी बाघिन सीसीटीवी में देखने के बाद बाघिन को दबोचने को लाए पिंजड़े का नहीं खुला लॉक। नोएडा में कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस। बागी विधायकों को लेकर दिग्विजय ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका। लखनऊ और नोएडा में एक एक और मिले कोरोना वायरस पॉजिटिव, यूपी में अब तक 17 संक्रमित। सीएम योगी ने कहा यूपी में जन विश्वास बहाल कर विकास एवं विश्वास के नए दौर में ले जाने में पाई सफलता।